Hello everyone, welcome to Dream UPSC. So in today's lecture, we will be continuing our human geography series, and today we will discuss about the two terminologies, that are determinism and possibilism. In our last lecture, we have studied about the dichotomy and the solution of dichotomy, but the new kind of dichotomy has been evolved, that was determinism and possibilism. So in today's lecture, we're going to discuss about determinism and possibilism. So before starting the lecture, here it is a brief description about myself. This is my Instagram ID. If you want to follow me or if you want to post any kind of query, you can use this particular Instagram ID just to reach out to me. So ye tha hamara abhi tak purane jo lectures humne sab कुछ पढ़ा था, प्री क्लासिकल एरा, क्लासिकल एरा, डुअलिज्म, डायकॉटमी. सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. सो आई विल टेल यू कि कैसे आपका जो आपका क्या है डिटर्मिनिज्म है और आपका जो पॉसिबिलिज्म है वो कैसे आपका इवॉल्व हुआ था. तो अभी हम कैसे पढ़ेंगे, अभी हमें जाना पड़ेगा अपने पुराने लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा था अभी, ठीक है. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास डिटर्मिनिज्म कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है. वी कैन हैव डिटर्मिनिज्म ऑफ थ्री टाइप्स, यानी कि डिटर्मिनिज्म आपके कितने टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के हो सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हम किसे कह रहे हैं, जब आपका जो मैन है वो आपका इम्पैक्ट हो रहा है किससे, एनवायरमेंट से. व्हेन द मैन इज गेटिंग इम्पैक्टेड बाय द एनवायरमेंट इटसेल्फ. नाउ द सेकंड वन इज टेलियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म. टेलियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म इज समवेयर रिलेटेड टू रिटर्स थ्योरी. व्हाट रिटर हैव सेड, रिटर सेड मैन is getting impacted by the environment, but उस environment को उसने क्या कहा, nature कहा. nature क्या है आपकी, क्या है, एक divine power है. तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, आपका teleological determinism. third one हमारे पास आ जाता है historical determinism. historical determinism मतलब आपकी एक particular tribe है, वो इस रीजन में थी, उसने इस रीजन में क्या क्या काम किया, यानी कि अपना जो भी आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ किया, आपका जो भी आपका हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ या भी जो भी आपने सेटलमेंट्स वगैरह डेवलप किए. बट एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे जहाँ पे आप वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे थे, वो लैंड क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा. और लैंड क्या रहेगा, उतना फर्टिलाइज नहीं रहेगा. देन दीज ट्राइब विल ऑब्वियसली शिफ्ट टूवर्ड्स अनदर रीजन, ठीक है. तो ये क्या है, आपको एक टाइम पीरियड के साथ आपका एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया को. तो दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनिज्म विल बी कॉल्ड एज हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, ठीक है. तो ये था हमारा क्या, तीन टाइप के हमारे डिटर्मिनिज्म. अब हम देखेंगे कि कैसा हमारा जो डिटर्मिनिज्म की थ्योरी है, हाउ द पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म हैज बीन इवॉल्व थ्रू द हिस्ट्री, ठीक है. अभी हमारे पास सबसे पहले क्या थी, फेज ऑफ क्लासिक एंटिक्विटी. फेज ऑफ क्लासिक एंटिक्विटी में हमने क्या पढ़ा था, फेज ऑफ क्लासिक एंटिक्विटी में हमारे पास थे फेज ऑफ क्लासिक एंटिक्विटी, ठीक है. इन फेज ऑफ क्लासिक एंटिक्विटी वी वर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योग्राफर्स. द फर्स्ट वन वॉज ग्रीक, देन वी हैड रोमन्स, एंड देन वी हैव अरब्स. तो अब हम देखते हैं, ठीक है, अब इन तीनों में हम डिफरेंस देखते हैं कि कैसे आपका जो डिटर्मिनिज्म है वो क्या हुआ, आपका धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई उसकी थ्योरी को. अगर हम बात करें ग्रीक्स की, तो ग्रीक्स में हमारे पास क्या था, बहुत सारे ज्योग्राफर थे, लेकिन जो स्टार्टिंग के ज्योग्राफर थे ग्रीक्स के, उनकी थ्योरी किस पे बेस्ड थी, डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड थी. बेसिकली क्या थी, आपका कंपाइलेशन था, इंसाइक्लोपीडिया था. लेकिन जब से हमारे पास किसकी थ्योरी आई, हमारे पास प्लेटो की थ्योरी आई, प्लेटो की जो थ्योरी थी दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द नेचर, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द अर्थ. प्लेटो ने क्या कहा था कि अर्थ इज अ डिवाइन क्रिएशन एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन इज अ कॉपी ऑफ नेचर. यानी कि जो आपका मैन क्या है वो इम्पैक्ट हो रहा है किससे, एनवायरमेंट से. कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो मैन और ह्यूमन का क्या है, हमें यहाँ पर रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है. तो दैट मीन्स वी कैन से प्लेटो एज अ डिटर्मिनिस्ट, ठीक है. तो यहाँ पे आपकी डिटर्मिनिज्म क्या हो गई थी, इवॉल्व हो गई थी. ये टर्म अभी किसी को पता नहीं थी, ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्या आपके डिटर्मिनिज्म को क्या करता है, बताता है. इसके बाद वी हैड एरिस्टोटल. एरिस्टोटल की आपको क्या पता है,
कहानी आपको सब पता है, मैं पिछले 2-3 लेक्चर में बहुत बार आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू गाइस, ठीक है। तो जो एरिस्टोटल की जो कहानी थी वो इंडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड थी। उसने क्या कहा था कि जो ग्रीस पीपल हैं वो क्या हैं, आपके बैलेंस्ड हैं। लेकिन उसने साथ साथ क्या कहा, जो बाकी लोग हैं कोल्ड एरिया के, जो लोग हैं कोल्ड एरिया के लोग क्या हैं, द पीपल ऑफ कोल्ड एरिया आर लथार्जिक वेयर एज द पीपल ऑफ वार्म एरिया आर अग्रेसिव। और ये अग्रेसिवनेस ही उनको क्या बनाती है, स्लेवरी के लिए बहुत ही प्रेवलेंट बनाती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैसे आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कर रहा है ह्यूमन को। तो देयर एग्जिस्ट ऑल्सो अ मैन ह्यूमन रिलेशनशिप, और इसको हम क्या कह सकते हैं, जो आपके एरिस्टोटल थे वो भी डिटर्मिनिस्ट थे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो आपकी डिटर्मिनिज्म की क्या आ रही है, इवोल्यूशन आपका हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा कैसे, जो आपके ग्रीक्स थे वो कैसे डिटर्मिनिस्ट थे। इसके बाद हम आ जाते हैं रोमन्स पे। रोमन्स में वैसे हमारे पास क्या था, स्ट्रैबो थे, पटोलमी थे, लेकिन उनकी जो कहानी थी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की जो उनकी क्या थी, खोज थी, वो किस पे बेस्ड थी, डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड थी, वो क्या था, डिस्क्रिप्टिव थी। लेकिन जो हमारे पास क्या थे, जीन बॉडिन कहीं ना कहीं आपके इन्फ्लुएंस्ड थे किससे, एरिस्टोटल से। उन्होंने भी क्या बोला था कि जो आपका क्लाइमेट है वो इम्पैक्ट करता है किसको, मैन को। वही डिफरेंस बताया था कोल्ड एरिया पीपल का और वार्म एरिया पीपल का। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं किसका आपको एक झलक दिखने को मिलती है, डिटर्मिनिज्म की। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने किस पे, मॉन्टेस्क्यू पे। मॉन्टेस्क्यू ने भी कहीं ना कहीं क्या दिखाया था, आप किससे इन्फ्लुएंस्ड थे आपके, वो इन्फ्लुएंस्ड थे आपके किससे, जीन बॉडिन से। तो इन्होंने भी एक थ्योरी को प्रोपाउंड किया जिसमें इन्होंने भी मैन और ह्यूमन के रिलेशनशिप को बताया, तो कि आपका क्लाइमेट इम्पैक्ट करता है, जो आपका रीजन है वो इम्पैक्ट करता है आपके ह्यूमन को। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो क्या कहानी आपकी हो रही है, डिटर्मिनिज्म वाली। तो ठीक है, आपने देखा कि कैसे अरब हो गया, कैसे आपके रोमन्स हो गए, सबके सब आपके क्या है, डिटर्मिनिज्म की कहानी को आपको क्या कह रहे हैं, बतला रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अरब्स। तो अरब्स में भी आपके क्या, इब्न खालदम की जो कहानी है वो भी किस पे बेस्ड थी, वो भी आपकी ह्यूमन मैन रिलेशनशिप पे बेस्ड थी। तो हम कह सकते हैं कि ये था आपका फेज ऑफ क्लासिक एंटिक्विटी, जिसमें आपने देखा कि कैसे आपकी जो आपकी डिटर्मिनिज्म है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि ये टर्म अभी क्या हुई है, किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पे आपकी क्या है, डिटर्मिनिज्म आपकी देखने को मिलती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डार्क एज, ठीक है। डार्क एज में आपने क्या देखा, टीओ मॉडल था, कहीं पे भी आपको मैन ह्यूमन रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता है, सो डिटर्मिनिज्म भी देखने को नहीं मिलता है। देन वी विल टॉक अबाउट आर प्री क्लासिकल एज, ठीक है। तो आपके जो प्री क्लासिकल एज था, प्री क्लासिकल एज में आप देखोगे इसमें क्या थे, आपके पास वेरिनियस और कैंट थे। वेरिनियस की जो थ्योरी थी और जो कैंट की थ्योरी थी, वेरिनियस की जो थ्योरी थी, द थ्योरी ऑफ वेरिनियस वॉज कॉल्ड एज जनरल ज्योग्राफी, वेयर एज द थ्योरी ऑफ कैंट इज नोन एज रीजनल ज्योग्राफी। तो आप देख सकते हो केवल आपका क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस है, कहीं भी आपका क्या है, एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आपको डिटर्मिनिज्म देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी किसकी, क्लासिकल एज की। क्लासिकल एज की बात करें तो हमारे पास दो ज्योग्राफर थे, एक थे हमारे हम्बोल्ट और एक थे हमारे रिटर। हम्बोल्ट क्या थे, आपके वेरिनियस की कहानी से भी क्या थे, इन्फ्लुएंस्ड थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके हम्बोल्ट थे, हम्बोल्ट ने क्या किया था, आपका एक पॉजिटिविज्म के कंसेप्ट को लेके आए थे, यानी कि साइंटिफिक कंसेप्ट्स को लेके आए थे, लेकिन इन्होंने फिजिकल फीचर्स को किसके साथ स्टडी किया था, आपके ह्यूमन फीचर्स के साथ भी। तो आप कहेंगे मैन और ह्यूमन का क्या था, यहाँ पर रिलेशनशिप देखने को मिला था। वैसे जो रिटर की थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, टेलियोलॉजिकल पे, यानी कि जो आपका नेचर है, नेचर आपका क्या कर रहा है, नेचर इम्पैक्ट कर रहा है आपके ह्यूमन को। तो ये क्या हो गया, आपका टेलियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। तो हमने देखा कि कैसा आपका क्या है, एक डाइकॉटमी आपकी क्या हो रही, अभी तक आपकी क्या है, डाइकॉटमी स्टैब्लिश नहीं हुई, सब लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, डिटर्मिनिज्म की तरफ। तो डिटर्मिनिज्म हमारा क्या हो गया, वेल स्टैब्लिश्ड हो गया। इसके बाद हमारे पास एक ज्योग्राफर आती हैं, एलन सैंपल। कौन आती हैं गाइस, मेरे पास अभी ना माउस है नहीं, तो मैंने माउस ऑर्डर किया था, इसीलिए ये इतनी गंदी राइटिंग के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन जल्द ही आपको थोड़ा सा स्वच्छ और सुंदर राइटिंग आपको मिलेगी। आपको शायद समझने में भी दिक्कत होती होगी, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। नाउ वी हैव द अनदर ज्योग्राफर इन आवर लिस्ट, दैट इज एलन सैंपल, ठीक है। अब एलन सैंपल ने क्या कहा, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ, यानी कि
मैन से पहले कौन आ गया, अर्थ आ गया, और अर्थ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ, तो हम देख सकते हैं डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट है कि अर्थ इंपैक्ट कर रही है अपने मैन को। उसने जो अर्थ की तुलना है, उसने अर्थ की तुलना किससे की है, मदर से की है, कि कैसे एक मदर अपने बच्चे का क्या करती है, ख्याल रखती है, कैसे उसको अपॉर्चुनिटी देती है, उसको पढ़ाती है धीरे धीरे, फिर बच्चा सीखता है खाना पीना सीखता है, अपनी स्कूल जाना सीखता है, अपनी क्या कहते हैं एक्टिविटीज सीखता है, एटिकेट सीखता है। तो सो उसने क्या बोला कि अर्थ एक्ट एज अ मदर एंड एनवायरमेंट इज नॉलेज इज ऑलवेज प्रिडिक्टेबल इन्फ्लुएंस, यानी कि एनवायरमेंट इज नॉट ऑलवेज प्रिडिक्टेबल, मतलब आप हमेशा एनवायरमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये किसने बोला आपका, एलन सैंपल ने। उसने बोला कि समटाइम्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स इन सच अ वे दैट एनवायरमेंट प्रोवाइड्स यू अपॉर्चुनिटीज। अभी देखो ये किसका कंसेप्ट आ गया, विडाल का, ठीक है। विडाल ने क्या कहा था, विडाल भी हमारे क्या थे, एक जियोग्राफर थे। विडाल ने बोला कि जो मैन है वो क्या करता है, इम्पैक्ट करता है आपके एनवायरनमेंट को। वो कैसे, क्यों, वो क्यों आपका इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स यू अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। अच्छा एक बात बताओ, जो ह्यूमन बीइंग है वो कौन से लैंड पे एग्रीकल्चर करना पसंद करेंगे, जो आपकी क्या होगी, फर्टाइल होगी, बैरन लैंड पे तो नहीं करेंगे। तो अगर वो फर्टाइल लैंड है, वो अर्थ ने जो दी है, जो एनवायरनमेंट ने दी है, दैट विल एक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो एनवायरनमेंट आपको क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहा है, इसीलिए मैन क्या कर रहा है, आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज नोन एज पॉसिबिलिज्म। ये किसका कंसेप्ट था आपका, विडाल का था, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपकी एक डायकॉटमी आपकी क्या आ गई है, स्टैब्लिश हो रही है, बिकॉज डायकॉटमी किस किस के बीच में, डायकॉटमी किस किस के बीच में, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में। लेकिन जो एलन सैंपल इन्फ्लुएंस्ड थी विडाल से है, लेकिन इनकी थियोरी ज़्यादातर किस पे बेस्ड थी, कि एनवायरमेंट आपका इफेक्ट करता है मैन को, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये क्या थी आपकी, डिटर्मिनिज्म थी। अब हम देखेंगे जो आपकी एलन सैंपल है, इनकी दो बुक्स आई हैं, ये याद रख लीजिए, वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप याद रख सकते हैं तो ठीक है। पहली बुक थी अमेरिकन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन, एंड द अनदर वन वॉज इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल क्लाइमेट। तो ठीक है, ये थी आपकी क्या, एलन सैंपल, जिन्होंने अपनी थियोरी दी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं हंटिंगटन को, ठीक है, HUNTINGTON, ठीक है। तो ये अब आके अब कौन आ गए आपके, हंटिंगटन, ठीक है। अब इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने अपनी थ्योरी किसके माध्यम से दी, ही पब्लिश्ड टू बुक्स, ठीक है। द फर्स्ट वन वॉज पल्स ऑफ एशिया, तो फर्स्ट वन वॉज पल्स ऑफ एशिया, और दूसरी थी आपकी क्लाइमेट सिविलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट्स, ठीक है। तो ये आपकी दो बुक थी, पल्स ऑफ एशिया और जो दूसरा था वो थी आपकी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। तो देख रहे हैं आप जो हंटिंगटन की थ्योरी थी वो कैसी आपकी क्या है, उसने बोला था कि एशिया में जो आपकी क्या है, नॉमेडिक ट्राइब्स होती है। नॉमेडिक ट्राइब्स जनरली कौन होती हैं, जो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, यानी कि जो आपके ट्राइब्स हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आपको पता होगा कि एक रीजन में पहले क्या कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की, वहाँ पे अपना सेटलमेंट वगैरह सब डेवलप किया, लेकिन एक टाइम के बाद आप क्या करोगे, एक दूसरे रीजन में चले जाओगे। क्यों, क्योंकि एनवायरमेंट इम्पैक्ट कर रहा है किसको, मैन को। इसीलिए आपकी जो पहले एग्रीकल्चर जो लैंड थी वो बैरन हो चुकी है, अब जो आपकी क्या है दूसरी, जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट कर रहा है मैन को, इसीलिए वो दूसरे रीजन में क्या हो गए हैं, शिफ्ट हो गए। तो इसे हम कहेंगे एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, इसको हम कहेंगे एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म। इसके बाद हम आ जाते हैं क्लाइम, लेकिन दूसरे ही साइड पे जो आपकी हंटिंगटन की थ्योरी है वो कहती है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट में, वो कहते हैं कि वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, लाइक टेम्परेट क्लाइमेट, टुंड्रा कोल्ड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स। तो ये क्लाइमेट्स आपके क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं सिविलाइजेशन को, यानी कि एनवायरनमेंट अब क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है आपके मैन को,
जहाँ पे उसको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं वहीं पे वो क्या करता है, सेटलमेंट्स डेवलप करेगा, वहीं पे आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, डेवलप करेगा, उनको एनहांस करेगा. तो यानी कि एनवायरनमेंट इज़ इम्पैक्टिंग द ह्यूमन बिहेवियर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिज्म. सो अब देख रहे हो आप यहाँ पे कि डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में क्या हो रही है, आपके आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं. तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देने के लिए वी हैव अनदर जियोग्राफर इन आर बकेट, दैट इज ग्रिफिथ टेलर, दैट इज ग्रिफिथ टेलर. ठीक है, अब जो ग्रिफिथ टेलर ने अपनी जो थियोरी दी वो किस चीज़ के लिए दी, जो आपके डायकोटमी अब इस्टेब्लिश हो गई थी, आपके डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म को, उसको सॉल्व करने के लिए दी थी. तो जो ग्रिफिथ की जो थियोरीज हो जाती हैं उसको हम कहते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, या फिर हम उसको कह सकते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, या फिर उसको हम कह सकते हैं प्रॉगमेटिक डिटर्मिनिज्म. ठीक है, यानी कि स्टॉप एंड गो, नियो एंड प्रॉगमेटिकिज्म, ये एक ही चीज़ के अलग अलग वर्ड्स हैं, तो आप कुछ भी इसको कह सकते हैं. अब जो आपकी ग्रिफिथ हैं, ग्रिफिथ ने कहा कि मैन डजंट टेक फर्टिलाइजर टू अ बैरन लैंड, यानी कि मैन कभी भी क्या है, एक बैरन लैंड में क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, वो उसी लैंड में काम करेगा जहाँ पे उसको कुछ प्रोडक्टिविटी दिखेगी, जहाँ पे उसको फर्टाइल सॉइल दिखेगी, वो वहीं पे क्या करेगा, काम करना पसंद करेगा. क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ इनपुट दे रहा है तो उसे कुछ आउटपुट तभी मिलेगा जब उसकी क्या है, प्री रिक्विजिट, जब आपकी कंडीशंस है वो क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं. उसके बाद उसने कहा कि मैन कैन ओनली इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट, इट कैन नॉट रिवर्स द चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट. सपोज मैन है, इसने क्या किया, एक क्या किया, एक ट्री को कट किया अपने किसी यूज़ के लिए, रबर के लिए या फिर वुड्स के लिए या लीव्स के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए. क्या मैन इस पेड़ को वापस से प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं. दैट मीन्स मैन कैन ओनली इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट, इट कैन नॉट रिवर्स इट्स एक्शंस. यानी कि लेकिन जो मैन है वो इम्पैक्ट क्यों कर रहा है एनवायरनमेंट को, ट्री को, क्यों? क्योंकि जो एनवायरनमेंट ने जो ट्री दिया है, ये एज अ अपॉर्चुनिटी दिया है किसको, मैन को, कि ये ट्री है, इसके ये इतने सारे यूजेस हैं, तो ये क्या एक अपॉर्चुनिटी हो गई मैन के लिए. तो इस हम इस वाले थ्योरी को हम क्या कहेंगे कि मैन कैन इम्पैक्ट एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट, बट द मैन कैन नॉट रिवर्स इट्स एक्शन. तो इसको हम बोलते हैं क्या, नियो डिटर्मिनिज्म. ठीक है, और बाकी अब यहाँ से फिर हमारा क्या आ जाएगा, एक कंसेप्ट आ जाएगा कि जो आपका मैन है जो इम्पैक्ट कर रहा है किसको, एनवायरनमेंट को, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी उस चीज़ को क्या करेगा, रिटर्न बैक करेगा. ये हमारी थ्योरी हो जाएगी नियो डिटर्मिनिज्म की. मैन अगर इम्पैक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को बाय कटिंग डाउन द ट्रीज, बाय यूजिंग द ग्राउंड वाटर, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहा है, एनवायरनमेंट की चीज़ों को यूज़ कर रहा है, पेड़ों को कट कर रहा है, तो एनवायरनमेंट भी क्या कर रही है, एक सेटबैक दे रही है, रिटर्न बैक दे रही है. कैसे? ग्लोबल वार्मिंग से. टेम्परेचर आप देख रहे हो कितना इंक्रीज हो चुका है, एक टाइम बाद क्या हो जाएगी, वाटर स्कार्सिटी हो जाएगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखो, अब रिलेशनशिप देखो मैन और एनवायरनमेंट के बारे में. अगर मैन इम्पैक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो रिटर्निंग बैक इट टू द ह्यूमन बींग्स. तो ये आपका क्या हो गया, नियो डिटर्मिनिज्म. ठीक हो गया, तो ही प्रोवाइडेड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. ये डिटर्मिनिज्म हो गया, ये पॉसिबिलिज्म हो गया. मैन एनवायरनमेंट को कर रहा है तो डिटर्मिनिज्म, एनवायरनमेंट मैन को कर रहा है तो वो हो गया पॉसिबिलिज्म. तो आप देख सकते हो कि ग्रिफिथ टेलर हैज़ प्रोवाइडेड द सोल्यूशन फॉर द डायकॉटमी ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, बिकॉज उसने बोला कि देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. ठीक है, तो इसी टर्मिनोलॉजी को आपको क्या कहा गया, बाद में एक सेंटेंस में बताती हूँ मैं आपको कि क्या कहके, मैन शुड इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट विद इन द लिमिट. अगर मैन इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को विद इन द लिमिट, दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
ठीक है. इन फ्यूचर इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू मस्ट मेंशन अबाउट द ग्रिफिथ टेलर्स थियोरी ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. ठीक है, तो ये देखा, ये था हमारा आज का लेक्चर, कैसे आपकी डाइकॉटमी आपकी सॉल्व हो गए, पहले इवॉल्व हुई थी धीरे 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 करके, और कैसे आपकी सॉल्व हो चुकी है. तो आई होप गाइज यू लाइक द लेक्चर एंड प्लीज़ डू सब. हाँ, ये जो आपको नोट्स चाहिए ये बस मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो मैंने आपको समझाया ये सब वही है. ठीक है, ग्रिफिथ टेलर के बारे में. ठीक है, तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ ड्रीम यूपीएससी फॉर फर्दर अपडेट्स. थैंक यू.